मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आप देख सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम स्टील के बारे में बात करेंगे, स्टील क्या होता है, स्टील के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे और प्लेन कार्बन स्टील के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। प्लेन कार्बन स्टील के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, प्लेन कार्बन स्टील में कार्बन कंटेंट के बारे में बात करेंगे और स्टील में प्रेजेंट इम्प्यूरिटीज के बारे में भी डिटेल से हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो लास्ट तक आप बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर फेरस मेटल में कार्बन कंटेंट 2% से कम है तो इसे हम स्टील कहते हैं, अगर कार्बन कंटेंट 2% से ज्यादा है तो इसे हम कास्ट आयरन कहते हैं। कहीं कहीं पे कार्बन कंटेंट अगर 1.8% से कम रहता है तो उसे भी हम स्टील कहते हैं। तो स्टील में कार्बन कंटेंट 1.8% या कहीं कहीं पे 2% से कम कार्बन कंटेंट अगर किसी फेरस मेटल में रहेगा तो उसे हम स्टील कहेंगे। स्टील में भी सेम इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट रहती हैं जो कि कास्ट आयरन में रहती हैं, जैसे सिलिकॉन, फास्फोरस, मैग्नीज और सल्फर। और स्टील में अलॉयिंग एलिमेंट्स भी मिलाए जाते हैं स्टील की प्रॉपर्टीज को एनहेंस करने के लिए। स्टील के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सेमी स्टील के बारे में बता देता हूँ। सेमी स्टील स्टील नहीं है। सेमी स्टील में 30-40% स्टील स्क्रैप लिया जाता है और बाकी कास्ट आयरन लिया जाता है और इन्हें कोपला फर्नेस में मेल्ट किया जाता है। उसके बाद इन दोनों का जो मिक्सचर बनता है उसे हम सेमी स्टील कहते हैं। अब हम स्टील के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो स्टील को मेनली 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, प्लेन कार्बन स्टील, एलॉय स्टील, स्पेशल एलॉय स्टील और कास्ट स्टील। इस वीडियो में हम प्लेन कार्बन स्टील के बारे में पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। तो प्लेन कार्बन स्टील के बारे में हम बात करते हैं। प्लेन कार्बन स्टील वह स्टील होती है जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, आयरन और कार्बन। बाकी अगर प्लेन कार्बन स्टील में सल्फर है, फास्फोरस है, मैग्नीज है या सिलिकॉन है तो यह इम्प्यूरिटीज है। प्लेन कार्बन स्टील हमेशा सिर्फ 2 एलिमेंट से मिलके बनेगा, आयरन से और कार्बन से, इसलिए इसका नाम प्लेन कार्बन स्टील है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर इसमें सिलिकॉन, फास्फोरस, मैग्नीज या सल्फर प्रेजेंट है तो वह इम्प्यूरिटीज है और उनकी अमाउंट भी, उनकी वैल्यू भी बहुत कम है, उनका कंपोजिशन भी एकदम नेग्लेजिबल रहता है प्लेन कार्बन स्टील में, जिससे प्लेन कार्बन स्टील की प्रॉपर्टीज में इन इम्प्यूरिटीज के प्रेजेंट होने के कारण कोई फर्क नहीं पड़ता। अब प्लेन कार्बन स्टील को भी कार्बन कंटेंट के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है। इसके अंदर आते हैं लो कार्बन या फिर माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्बन कंटेंट के हिसाब से प्लेन कार्बन स्टील को क्लासिफाई किया गया है, तो लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील में सबसे कम कार्बन कंटेंट प्रेजेंट रहेगा। इसमें कार्बन कंटेंट 0.05% से 0.3% के बीच रहेगा। मीडियम कार्बन स्टील की बात करें तो मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन कंटेंट 0.3% से 0.6% के बीच रहेगा, यानी कि लो कार्बन स्टील से थोड़ा ज्यादा कार्बन कंटेंट मीडियम कार्बन स्टील में रहेगा। और हाई कार्बन स्टील में सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट रहेगा, 0.6% से 1.5% के बीच कार्बन प्रेजेंट रह सकता है हाई कार्बन स्टील में। तो प्लेन कार्बन स्टील को कार्बन कंटेंट के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है। लो कार्बन या माइल्ड स्टील में 0.05% से लेकर 0.3% बीच कार्बन रहता है, मीडियम कार्बन स्टील में 0.3% से 0.6% के बीच कार्बन रहता है, हाई कार्बन स्टील में 0.6% से 1.5% के बीच कार्बन रहता है। अब हम एक एक करके इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील के बारे में बात करते हैं। लो कार्बन स्टील का सबसे ज्यादा यूज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए और इंडस्ट्रीज में किया जाता है। बहुत सारी जगह लो कार्बन स्टील के एप्लीकेशंस हैं। लो कार्बन स्टील सॉफ्ट रहती है, लो कार्बन स्टील डक्टाइल रहती है, लो कार्बन स्टील में आप आसानी से मशीनिंग कर सकते हैं और कोई भी वेल्डिंग प्रोसेस अपना के आप लो कार्बन स्टील में वेल्डिंग भी कर सकते हैं, यानी कि परमानेंट ज्वाइंट आप दे सकते हैं। और अब सबसे याद रखने वाली बात, लो कार्बन स्टील में कार्बन सबसे कम है, कार्बन कंटेंट लो कार्बन स्टील में सबसे कम है,
इसलिए हीट ट्रीटमेंट का कोई असर नहीं पड़ता लो कार्बन स्टील में। अब हम मीडियम कार्बन स्टील के बारे में बात कर लेते हैं। मीडियम कार्बन स्टील को आप आसानी से हार्डन या टेम्पर्ड कर सकते हैं, यानी कि मीडियम कार्बन स्टील उस जगह में यूज होती है जिन प्रोडक्ट्स के साथ हमें ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, ज्यादा वियर रेजिस्टेंस चाहिए। जाहिर सी बात है, लो कार्बन स्टील से कार्बन कंटेंट ज्यादा है मीडियम कार्बन स्टील में, तो मीडियम कार्बन स्टील ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। फोर्जिंग में, कास्टिंग में, एक्सेल बनाने के लिए, शाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, बहुत सारी जगह मीडियम कार्बन स्टील का यूज किया जाता है। और मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन कंटेंट लो कार्बन स्टील से थोड़ा ज्यादा रहता है, तो हल्का फुल्का यह रिस्पॉन्स कर देता है। अगर आप हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो हल्की फुल्की इसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाते हैं। अब हम हाई कार्बन स्टील के बारे में बात कर लेते हैं। हाई कार्बन स्टील में कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए हीट ट्रीटमेंट का पूरा असर होता है हाई कार्बन स्टील पर, जिससे कि हाई कार्बन स्टील की स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है, हार्डनेस ज्यादा रहती है और वियर रेजिस्टेंस भी अच्छा रहता है। और फिनिश प्रोडक्ट को आप हीट ट्रीट कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को एनहेंस करने के लिए। अगर हम डक्टिलिटी की बात करें तो हाई कार्बन स्टील सबसे कम डक्टाइल है, उससे थोड़ा ज्यादा डक्टाइल मीडियम कार्बन स्टील है और सबसे ज्यादा डक्टाइल लो कार्बन स्टील है। और जैसे जैसे प्लेन कार्बन स्टील में कार्बन कंटेंट बढ़ते जाता है, ब्रिटलनेस भी बढ़ते जाती है, तो सबसे ज्यादा ब्रिटल हाई कार्बन स्टील है, उससे थोड़ा कम ब्रिटल मीडियम कार्बन स्टील है और सबसे कम ब्रिटल माइल्ड स्टील या लो कार्बन स्टील है। और जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ते जाता है, वेल्डिंग करना मुश्किल होते जाता है, तो हाई कार्बन स्टील में वेल्डिंग करना सबसे ज्यादा मुश्किल है, मीडियम कार्बन स्टील में थोड़ा आसान है वेल्ड करना और लो कार्बन स्टील को आप आसानी से वेल्ड कर सकते हैं। अब हम स्टील में प्रेजेंट इम्प्यूरिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। स्टील में भी सेम इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट रहती हैं जो कि कास्ट आयरन में रहती हैं, यानी कि फॉस्फोरस, सल्फर, मैग्नीज और सिलिकॉन, यही इम्प्यूरिटीज स्टील में भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये इम्प्यूरिटीज स्टील में मिलने के बाद एकदम अलग तरीके से बिहेव करती हैं, और कास्ट आयरन में मिलने के बाद यही इम्प्यूरिटीज या ये एलिमेंट बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करते हैं। अब हम स्टील में जब सल्फर, फॉस्फोरस, मैग्नीज और सिलिकॉन मिला देंगे तो स्टील में क्या फर्क पड़ता है इन इम्प्यूरिटीज के कारण, उस बारे में हम बात कर लेते हैं। सल्फर अच्छा नहीं कहलाता स्टील में होना, सल्फर स्टील के लिए भी बहुत हार्मफुल है। सल्फर अगर स्टील में प्रेजेंट रहता है तो आयरन सल्फाइड बनाता है जो कि बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं है, जिसके कारण स्टील की हार्डनेस कम होती है, ब्रिटलनेस बढ़ते जाती है और रेड शॉर्टनेस उसमें आते जाती है, यानी कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होते जाता है। अब अगर हम फॉस्फोरस के बारे में बात करें तो स्टील में फॉस्फोरस मिलाने से ब्रिटलनेस इंक्रीज होती है, जबकि हमने देखा था कास्ट आयरन में फॉस्फोरस मिलाने से कास्ट आयरन की फ्लोएबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, जबकि स्टील में फॉस्फोरस मिलाने से स्टील में ब्रिटलनेस आ जा रही है। अब अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो कास्ट आयरन में सिलिकॉन ग्रेफर्टाइजर के रूप में वर्क कर रहा था, लेकिन स्टील में सिलिकॉन डीऑक्सीडाइजर के रूप में वर्क करता है, यानी कि स्टील में प्रेजेंट गैसेस और ऑक्सीजन को रिमूव करने का, हटाने का काम सिलिकॉन करता है, जिससे कि स्टील में ब्लो होल्स वगैरह या एयर पॉकेट्स नहीं क्रिएट होते, जिससे कि स्टील और ज्यादा टफ और स्ट्रांग हो जाती है। अब अगर हम आखिरी में मैग्नीज के बारे में बात करें तो मैग्नीज अगर स्टील में आप मिलाएंगे तो वो एक अच्छे डीऑक्सीडाइजर का काम करेगा और एक अच्छे प्यूरिफाइंग एजेंट का भी काम करेगा। जैसा कि हम जानते हैं मैग्नीज की एफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीज ऑक्सीजन के साथ जुड़ना चाहता है और मैग्नीज की एफिनिटी सिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन से और ज्यादा है, यानी कि अगर मैग्नीज के पास एक सिलिकॉन का एलिमेंट रहेगा और एक ऑक्सीजन का एलिमेंट रहेगा तो मैग्नीज पहले सिलिकॉन से जुड़ेगा और मैग्नीज सल्फाइड बनाएगा, जिससे कि सल्फर के कारण जो स्टील की प्रॉपर्टीज में डिग्रेडेशन आता है वह नहीं होता, मैग्नीज सल्फाइड में हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमने देखा था स्टील में भी मैग्नीज मिलाने से मैग्नीज सल्फर के साथ माइन होके मैग्नीज सल्फाइड बना रहा था और सल्फर के हार्मफुल इफेक्ट से कास्ट आयरन को भी बचा रहा था, और मैग्नीज को स्टील में मिलाने से
कुछ डक्टिलिटी भी इंक्रीज कर देता है मैग्नीज। तो दोस्तों आज हम लोगों ने स्टील के बारे में बात की। स्टील क्या होता है मैंने आपको बताया, स्टील के क्लासिफिकेशन के बारे में हमने बात की, प्लेन कार्बन स्टील के बारे में बात की, प्लेन कार्बन स्टील के टाइप्स के बारे में बात की, और स्टील में प्रेजेंट इम्प्यूरिटीज के बारे में और उससे क्या अफेक्ट पड़ता है स्टील की प्रॉपर्टीज में, उस बारे में भी हमने बात की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहता हूँ। जल्दी मिलेंगे। जय जवान जय किसान।